आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरप्रीटर सूट के बारे में, जो दिया गया सेक्शन 88 में और उसका प्रोसीजर है ऑर्डर 35 के अंतर्गत ऑफ सीपीसी। इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले आप एक डायग्राम समझिए। यह डायग्राम आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। ए और बी कह रहे हैं कि यह फोन उनका है। एक फोन जो खो गया था वो ए कहता है कि उसका है, बी कहता है वो उसका है। ये फोन लगा सी के हाथ में। सी कह रहा है कि देखिए मैं तो प्रॉपर्टी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे केवल आप खर्चा दे दीजिए क्योंकि मैं आपके पास फोन लेके आ रहा हूं। अब पर वो फोन किसको दे ये डाउटफुल है क्योंकि सी को उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ही ओनली वॉन्ट्स द कॉस्ट एंड चार्जेस। तो सी फाइल करेगा एक सूट, उसका नाम होगा इंटरप्लीटर सूट, जहां पर सी बन जाएगा प्लेंटिफ और ए और बी बन जाएंगे डिफेंडेंट्स। यानी कि रियल डिस्प्यूट इज बिटवीन डिफेंडेंट्स, क्योंकि सी को प्रॉपर्टी को हैंडओवर करना है राइटफुल ओनर को या राइटफुल क्लेमेंट को, तो वह काम कर रहा है। अब आप डेफिनेशन समझिए। टू पर्सन्स या मोर पर्सन्स क्लेम कर रहे हैं एडवर्सली टू वन अनदर एक प्रॉपर्टी या एक सम को। ए और बी क्लेम कर रहे हैं फोन को और डिस्प्यूट किसके बीच में, ए और बी के बीच में, एडवर्सली टू वन अनदर फ्रॉम अनदर पर्सन यानी कि फ्रॉम सी हु इनफैक्ट डज नॉट क्लेम एनी इंटरेस्ट। उसको सी को उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक्सेप्ट द कॉस्ट एंड चार्जेस इनकर्ड बाय हिम, केवल उसको खर्चे चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सूट दाखिल करेगा उसका खर्चा, राइटफुल ओनर को प्रॉपर्टी देगा उसका खर्चा, कॉस्ट लगेगी, कोई एक्सपेंसेस लगेंगे, प्रॉपर्टी को मेंटेन करना पड़ेगा, वो सारे खर्चे सी को चाहिए, प्रॉपर्टी उसको नहीं चाहिए। वो चाहता है कि प्रॉपर्टी राइटफुल ओनर को मिल जाए। इन इंस्टीट्यूटिंग द इंटरप्रीटर सूट यानी कि सूट का खर्चा और प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने का खर्चा चाहिए, और वो रेडी और विलिंग टू पे है उस चीज को, यानी कि उसको प्रॉपर्टी देने को तैयार है कि मुझको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, टू द राइटफुल क्लेमेंट। तो फिर क्या करेगा वो थर्ड पर्सन अनदर पर्सन सूट फाइल करेगा, उसका नाम होगा इंटरप्रीटर सूट। अब आप इंपॉर्टेंट बात ये समझिए कि यहां पे कोर्ट के पास क्या पावर है। कोर्ट दो काम कर सकती है। कोर्ट कह सकती है सी को कि देखो तुम इस प्रॉपर्टी को कोर्ट में रखो और तुम चले जाओ खर्चा लेके, यानी कि तुम डिसमिस हो जाओ आफ्टर टेकिंग द चार्जेस एंड कॉस्ट एंड आफ्टर गिविंग और हैंडलिंग ओवर द फोन टू द कोर्ट। साथ ही कोर्ट यह भी कह सकती है कि तुम यहां पर रुको क्योंकि जस्टिस और कन्वीनियंस कहती है कि इस मामले में तुमको रुकना चाहिए आखिरी तक, क्योंकि डिस्प्यूट डिसाइड नहीं हो पाएगा इस तरह से। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं कि रियल डिस्प्यूट किसके बीच में है, ए और बी के बीच में, जो है डिफेंडेंट्स। सूट फाइल कर रहा है प्लेंटिफ सी। सी इज नॉट इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, उसको प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ चार्जेस में इंटरेस्ट है और अपने खर्चे में इंटरेस्ट है, कॉस्ट में इंटरेस्ट है। सी इज रेडी टू पे एंड डिलीवर द थिंग टू राइटफुल क्लेमेंट, जो उसका ओनर है मैं उसको दे दूंगा प्रॉपर्टी। सी क्या फाइल करेगा? इंटरप्रीटर सूट। सूट शुड नॉट डिपेंडिंग बिटवीन क्लेमेंट्स, यानी कि क्लेम कौन कर रहा है? ए और बी, यानी कि ए और बी ने एक दूसरे के खिलाफ कोई मुकदमा दाखिल किया हो इस बीच के अंदर, यानी कि ये पहला ही मुकदमा होना चाहिए जो सी ने दाखिल किया है इंटरप्रीटर सूट। ए और बी के बीच में ऐसा कोई मुकदमा पहले नहीं होना चाहिए। अब ऑर्डर 35 क्या बता रहा है? ऑर्डर 35 सेज प्लेंट मस्ट स्टेट, क्योंकि प्लेंट दाखिल करेगा सी, तो क्या बताएगा प्लेंट में कि क्लेम्स नो इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर, कि प्लेंटिफ को प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है अदर देन चार्जेस एंड कॉस्ट। क्लेम मेड बाय डिफेंडेंट सेवरली, यानी कि डिफेंडेंट्स सेवरली क्लेम कर रहे हैं, अलग अलग क्लेम कर रहे हैं, ए और बी अलग अलग क्लेम कर रहे हैं, और कोई मिली भगत नहीं है बिटवीन द प्लेंटिफ एंड एनी डिफेंडेंट। यानी कि ऐसा ना हो कि ए और सी ने मिलकर बी को फंसाने के लिए, कि बी को परेशान करना है, बी पे मुकदमा दाखिल करने हैं, उसको परेशान करने के लिए ऐसा मुकदमा किया हो, कि कोई कल्यूजन बिटवीन प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ना हुआ हो, यानी कि गुड फेथ में काम हो रहा है। अब रूल 206 क्या बता रहा है कि कोर्ट में आस्क प्लेंटिफ टू प्लेस द थिंग इन कोर्ट्स कस्टडी एंड प्रोवाइड हिम कॉस्ट, कि भैया तुम प्रॉपर्टी को रखो और तुम चले जाओ क्योंकि तुम्हारा कोई काम तो है नहीं। रूल 3 क्या बता रहा है कि डिफेंडेंट फाइल्ड सूट अगेंस्ट द प्लेंटिफ इट विल बी स्टेट। अब मालूम पड़ा कि ए को ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी सी के हाथ में कैसे आ गई है, मुझे इसको प्रॉपर्टी को चाहिए क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी है, तो ए हो सकता है कि सी पर मुकदमा फाइल कर दे, या हो सकता है कि बी फाइल कर दे सी के ऊपर। तो अगर कोई ऐसे पहले मुकदमे चल रहे हैं जो बिटवीन डिफेंडेंट एंड प्लेंटिफ चल रहे हैं, जो दाखिल किए हों ए और बी ने सी के खिलाफ, वो सारे मुकदमों पर स्टे लग जाएगी, तो केवल एक ही मुकदमा चलेगा, वो होगा इंटरप्रीटर सूट। फर्स्ट हियरिंग कोर्ट क्या करेगा कि चाहेगा कि प्लेंटिफ को डिस्चार्ज कर दिया जाए, यानी कि सी को कहेगा तुम घर जाओ, खर्चा लो और डिसमिस हो जाओ, या फिर वो कह सकता है कि जस्टिस और कन्वीनियंस ये कहती है कि कायदा यही रहेगा, या जस्टिस यही कहती है कि आप यहां पर रुके, तो कोर्ट ये भी आदेश कर सकती है। रूल 4 क्या बता रहा है कि कोर्ट क्या करेगी, जब तुमको भेज देगी या जैसा भी कोर्ट डिसाइड करेगी, उसके बाद कोर्ट चाहे तो इश्यूज को फ्रेम कर सकती है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसको हम लोग फ्रेम करेंगे। ऑर्डर 14 रूल 1 बताता है कि हाउ टू फ्रेम इश्यूज एंड मेक वन डिफेंडेंट एज प्लेंटिफ। अब अगर मालूम पड़ा कि सी को डिसमिस कर दिया हमने और ए और बी केवल बचे हैं,
तो एक आदमी बना देगा, ए को प्लेंटिव बना देंगे और बी को डिफेंडेंट बना देंगे, या बी को प्लेंटिव बना देंगे ए को डिफेंडेंट बना देंगे। यानी कि क्योंकि हमको मुकदमा तो चलाना ही है तो एक प्लेंटिव एक डिफेंडेंट की जरूरत है ही, तो अगर सी चला जाएगा तो फिर प्लेंटिव कोई नहीं रह जाएगा, तो फिर दोनों को में से एक को डिफेंडेंट और प्लेंटिव बना दिया जाएगा। कौन फाइल नहीं कर सकता ऐसा सूट? एजेंट कर नहीं सकता मास्टर के खिलाफ, और टेनेंट नहीं कर सकता लैंडलॉर्ड के खिलाफ। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इनमें फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। अगर इनमें ऐसा रिलेशन है तो मैं कभी अपने मकान मालिक के टाइटल पे क्वेश्चन नहीं उठा सकता, और अगर मेरे मास्टर ने कहा है कि ये संपत्ति को ध्यान रखो इस प्रॉपर्टी का, तो फिर मेरी ड्यूटी है कि उसका ध्यान रखूँ। मैं उस पर सवाल उठाऊंगा कि तुम इसके मालिक नहीं हो प्रॉपर्टी के, या तुम ये सब नहीं कर सकते। इसी तरह की बात की गई है सेक्शन 116 के अंदर ऑफ एविडेंस एक्ट। ये दो केसेस हैं जो पहले वाली बात को समझाने के लिए आपको मिल जाएंगे, आसन वर्सेस सरोदा और सत्यनारायण वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जज। थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब टू माय चैनल लॉ एब इनिशियो।